हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेश फूड फॉरएवर। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी पनीर फिंगर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए ऐसे करके बनाया मैंने, और इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें पनीर के पीसीस डाल रही हूँ, लंबे लंबे कट करके डालने हैं और थोड़े थिक होने चाहिए। अब इसके अंदर मैं रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं पनीर के ऊपर लग जाएं। ये देखिए ऐसे करके अच्छी तरह इसको मसल लूँगी मैं, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से मसलना है, नहीं तो ये पीसेस टूट जाएंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है ना, इसलिए सारा जो मसाला है पनीर के पीसेस पे लगा दूँगी अच्छी तरह से मैं हाथों से मसल मसल के। ये देखिए ऐसे करके लगा रही हूँ। अब ये मसाला जो है लग चुका है, अब इसको थोड़ी देर साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल लिया है, उसमें मैं 2 टीस्पून मैदा डाल रही हूँ। इसकी हमने स्लरी बनानी है। अब पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि लम्स वगैरह ना रहें बिल्कुल भी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी मैं इसमें। ये देखिए पानी डालती जा रही हूँ साथ साथ। अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ इसको। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। और इसको मैंने फ्राई नहीं किया, आप फ्राई भी कर सकते हो। मैंने एयर फ्रायर में बनाया है इसको, और बहुत खाने में इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी ये स्नैक, बहुत ही अच्छा स्नैक बनेगा ये। ये देखिए अब स्लरी बनने वाली है, इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, मीडियम होना चाहिए बैटर, ना पतला ना ज़्यादा थिक। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब ये अब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं साथ में, पनीर के पीसेस पीस को डिप कर रही हूँ इसके अंदर, स्लरी के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा रही हूँ। ये देखिए ब्रेड क्रम अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। ये देखिए सब साइड से, सारी साइड से लगा रही हूँ। ये देखिए ये हो चुका है। ऐसे ही करके सारे पीसेस पे मैं लगा दूँगी स्लरी में डिप करके, और उसके अंदर फिर ब्रेड क्रम में इसको अच्छी तरह से डिप करके, और ये रेडी होते जाएंगे। और इसको एक साइड पे रखती जा रही हूँ मैं। ये देखिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आपके घर में कोई आ जाए तो आप ये बना सकते हो, इवनिंग स्नैक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी या जो सॉस होती है टमाटो केचप, उसके साथ सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं उसके साथ। कभी भी आपका कुछ मन करे ऐसा खाने के लिए, फ्राइड या क्रिस्पी खाने के लिए, तो आप ये बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये फिंगर्स। ये देखें ऐसे करके सारे फिंगर्स मैं तैयार कर रही हूँ। ब्रेड तो पड़ी होती है सबके पास, तो उसके ब्रेड क्रम मैंने बना लिए थे। फ्रेश ही बनाती हूँ मैं ब्रेड क्रम्स, फ्रेश बनाती हूँ और वही यूज़ करती हूँ। ऐसे करके मैं सारे फिंगर्स तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के, मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं। ये देखिए अब ये सारे फिंगर्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब मैं एयर फ्रायर लूँगी, उसके अंदर सारे रख दूँगी फिंगर्स।
और जो ये सारे फिंगर्स है, रखने के बाद इसको 5 मिनट के लिए बस ऑन करना पड़ेगा। 5 मिनट के में ही ये रेडी हो जाएंगे फिंगर्स हमारे, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके ये मैंने एयर फ्रायर में रख दिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने बढ़िया कलर आया ना, कितने अच्छे बन गए हैं ये। ये देखिए, मुझे कमेंट करके बताना है ये आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।